हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह और काफ़ी टाइम में जब से आप बोल रहे हैं, मतलब जब से आपने देखा कि मैंने KTM Duke 250 लिया है, आप उसका माइलेज, उसका टॉप स्पीड जानना चाहते हो। वाओ, क्या सही जगह पे हूँ, यहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती है, सही है। तो ट्रेन को जाने दो, जब तक आप देखो कि जब मैं अजमेर के ट्रिप पर निकला था तो मैंने KTM को पूरी तरह खोल डाला, मतलब KTM की टॉप स्पीड निकाल दिया। मतलब दो महीने हो गए KTM लेके और उसका अभी का जो टॉप स्पीड है, आप देखने वाले हो कि टॉप स्पीड में गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई है। आई होप कि 6 महीने बाद 4 महीने बाद गाड़ी और टॉप स्पीड जाएगी। तो जब तक आप ये देखिए कि टॉप स्पीड कितना आया है मेरी बाइक का, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आप कुछ कमेंट ना कर दे, आगे और वीडियो है तो देखिए। एक्चुअली आपने टॉप स्पीड 141 मिला, मतलब भाई ओके, जो अजमेर के ट्रिप पे निकला था तो अहमदाबाद से उदयपुर जब जाएंगे ना, तो बीच में ना भाई बहुत सीधे सीधे रास्ते आते, एकदम सीधे सीधे, और रास्ता पूरा खाली। अब क्या भाई, कब से गाड़ी में 120 में चला रहा हूँ, अब थोड़ा खोल के देखते। तो लो भाई, गाड़ी को खोल दिया, फुल एक्सेलरेटर गाड़ी चल रही है 130, 130, 130, 138, 140 एंड 141 आ गया। इसके ऊपर गाड़ी नहीं गई, 141 लास्ट स्पीड थे मेरी गाड़ी का 250 का। तो इतना गाड़ी चला, काफ़ी दिल खुश हुआ, मतलब यार भाई इतने स्पीड में मेरी खुद की गाड़ी चलाई, रास्ता एकदम सेफ था, मतलब सेफ नहीं, रास्ता एकदम खाली था और रास्ता एकदम सीधा था। तो जो भाई लोग अजमेर गए हैं या देखे हैं तो भाई बाय रोड, तो उनको मालूम हुआ कि अजमेर का रास्ता पूरा सीधा का सीधा है, एकदम सीधा का सीधा है। बीच में जब अहमदाबाद से उदयपुर जाएंगे तो उसके बीच में रास्ता, और शाम का भी टाइम था, पूरा उजाला था, तो उसी टाइम भगाया बाक में, मैं गाड़ी नहीं भगाया बाक में, 100 और 120 के स्पीड में ही था, ज़्यादा उतना हुई नहीं। Duke 250 का 141 टॉप स्पीड है अभी तक, पता नहीं आगे और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा या बढ़ जाएगा, वो हमको आगे मालूम पड़ेगा। और Duke 250 लेने से पहले मैं भी बहुत Duke 250 का टॉप स्पीड निकालता था। तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसका टॉप स्पीड था 159, उस गाड़ी का टॉप स्पीड था, रोड Duke 250 था। मैं सोचा भाई जब 159 गाड़ी भाग सकता है तो हम लोग 140 में आराम से गाड़ी कंटिन्यू चला सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गाड़ी मतलब गाड़ी का जो RPM है ना, वो 8 और 7 के बीच में ही है, उसके ऊपर जाते ही नहीं है। पता नहीं, अगर वो उसको RPM उसके ऊपर जाएगा तो आई होप मेरी गाड़ी और स्पीड फ्यूचर में चल सकती है अच्छे रास्तों पर। तो जो RPM था वो RPM 7 और 8 के बीच में ही था। कंटिन्यू आते टाइम भी मैं बहुत ट्राई किया, आते टाइम मेरी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 135, 136 चली थी, उसके ऊपर आया ही नहीं। तो ये जो टॉप स्पीड है सिर्फ एक ही बार मुझे मिला जाने का टाइम, आने का टाइम बिल्कुल टॉप स्पीड मुझे नहीं मिला, जो आपको दूसरे आज मतलब कल की वीडियो में दिख गया रहेगा। 136 टॉप स्पीड था आने का, लेकिन जाने का 141 और सेफ था भाई बिल्कुल, मतलब मैंने रिक्स लिया नहीं, रास्ता पूरा खाली था, मतलब दूर दूर जैसे रेगिस्तान में रास्ते दिखते ना, दूर दूर सीधे सीधे वैसे रास्ते थे, मतलब धनुष बाण मारेंगे ना तो कैसा, वो अपने बाजू से जाएगा और हम भी बाजू में चलते रहेंगे। धनुष बाण का स्पीड ज़्यादा रहेगा ना गाड़ी से, मतलब 141 से ज़्यादा स्पीड रहेगा आई थिंक सो। हाँ, एक चीज़ कमेंट कर रहे, वो है भाई गाड़ी में कितने का पेट्रोल गया, गाड़ी में कितना खर्चा आया, पूरे ट्रिप में कितना खर्चा गया। तो 3 दिन का ट्रिप था, मतलब 1 दिन राइड, 1 दिन स्टे, 1 दिन राइड, तो 3 दिन का ट्रिप हुआ ये मेरा। और सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो गाड़ी के पेट्रोल में गया,
गाड़ी 150 किलोमीटर जाती, 200 किलोमीटर जाती, फुल टैंक करना पड़ता था, फुल टैंक फुल टैंक फुल टैंक। इस तरह गाड़ी में जो पेट्रोल है 5000 से 5000 के ऊपर हुआ है। पाँच थोड़ा काउंट में हिसाब कर नहीं पाया, जाने के टाइम 5 बार फुल टैंक कराया था मतलब, और आने के टाइम 4 बार फुल टैंक कराया था। शिरडी गया था तो मेरी गाड़ी ने 32 का एवरेज दिया था। अगर तेरी गाड़ी में 32 का एवरेज पकड़े तो तेरी गाड़ी में कम से कम 6000 का पेट्रोल जाएगा, 6000 का पेट्रोल तेरी गाड़ी में कम से कम जाएगा। और वैसे ही हुआ, 6000 रुपये से ले कर 5.5, मतलब 5500 से ले कर 6000, इन इसके बीच ही पैसा गया है पेट्रोल में। और 500 रुपया एकदम मतलब वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा और थोड़े महंगे वाले भी मिल जाएगा। तो मैंने सस्ता वाला 500 रुपये में मुझे कितना 24 घंटा प्लस 8 घंटा एक्स्ट्रा रूम में रहने का दिया, वो अच्छा हो गया। अच्छा रूम था, साफ़ सफाई थी, मस्त टॉयलेट वॉलेट भी क्लीन था, पानी भी सही टाइम पर था और मच्छर बिल्कुल नहीं थे। ये ध्यान रखना क्योंकि मच्छर उच्छर ना, मच्छर बिल्कुल नहीं था उस एरिया में। तो टोटल जो पैसे हैं मतलब इस ट्रिप में, 3 दिन के ट्रिप में 7000 रुपये खर्च हुए। सबसे ज़्यादा खर्चा गाड़ी में गया, पेट्रोल में गया यार। अगर एवरेज मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसके बाद एक बार वापस आप गाड़ी का टॉप स्पीड देख लेना, और आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, हाई मतलब लॉन्ग राइड में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, लॉन्ग राइड से क्या क्या होता है, मतलब लॉन्ग राइड करने के लिए क्या क्या हमें और चीज़ चाहिए और कैसे क्या करना है, पैकिंग कैसे करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक अलग से वीडियो बनाएंगे लॉन्ग राइड का, लॉन्ग राइड में क्या क्या कैरी करना है, कैसे रहना है और क्या क्या खाना है। यह हाथ अभी तक सही नहीं हुआ, यह हाथ में क्या हो गया कि हाथ सीधा नहीं हो रहा है और यह हाथ बहुत पेन हो रहा है, बहुत यस हाथ बहुत पेन हो रहा है। तो ये पता नहीं कब तक ठीक होएगा, जब तक ठीक होएगा उसके बाद ही डाइट स्टार्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो मेरे अजमेर वाले वीडियो है प्लीज़ यार प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ उस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। ओके, तो आज से मेरे वीडियो को शेयर करना आप चालू कर दीजिए प्लीज़। आप अगर आपने एक को भी शेयर किया ना, मैं दिल मेरा खुश हो जाएगा। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, ना हो तो कमेंट कीजिए, ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।